संगम की रेती पर लगे माघ मेले का यह दूसरा स्नान पर्व पौष पूर्णिमा का है। गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगानी शुरू कर दी थी। घाटों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। लोक कल्याण का यह पर्व पितरों की पूर्णिमा का पर्व है। पौष पूर्णिमा पर त्रिवेणी में स्नान और दान करने का विशेष महत्व है। संगम में आस्था की डुबकी लगाने के बाद लोग संगम तट पर दान पुण्य भी कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि माघ मेला में 33 कोटि देवी देवता भी संगम में वास करते हैं। गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम में श्रद्धालु स्नान कर आज से कल्पवास का संकल्प लेकर कल्पवास शुरू करेंगे। माघ मेले में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। घाटों पर डीप बैरिकेडिंग की गई है। NDRF SDRF के साथ साथ जल पुलिस की तैनाती की गई है ताकि कोई भी श्रद्धालु गहरे पानी में ना जा सके। कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन कराया जा रहा है। मेला क्षेत्र में CCTV कैमरे से निगरानी की जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। आने और जाने के लिए एकल मार्ग की व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई समस्या ना हो सके। आज से श्री माघ का एक महीने कल्पवास शुरू हो रहा है, जिसमें पूष की पूर्णिमा में पहला दिन का स्नान था, जिसमें हमने गंगा मैया का दिव्य स्नान किया और अब एक महीने तक कल्पवास करेंगे। कैसी व्यवस्था लगी जी? व्यवस्था बहुत अच्छी है, प्रशासन की साफ सफाई बहुत अच्छी है, कोई भीड़ भाड़ भी नहीं है, कोरोना का पालन भी ठीक से किया जा रहा है। ठीक, नाम बता दीजिए। कमलेश सिंह। जोर से बोलो, जोर से। हाँ बताइए। जय गंगे मैया, जय श्री राम, उनकी कृपा से आज पहला दिन है। स्नान करने के लिए आए थे, खूब बढ़िया जो है अच्छे से हो जाए, उससे ही हमारी गंगा मैया से ही प्रार्थना है। आप कहाँ से आई हैं? इलाहाबाद से, राजीवपुर से। अपने स्नान किया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्या मान्यता है, किस लिए आप क्यों आई हैं स्नान करने? गंगा मैया जो है बहुत हम वो मानते हैं, इसीलिए उनका जो है नहीं अब कर ले रहे हैं, बस सही हमारी मानता है, कोई मानता नहीं है, भगवान की कृपा से सभी। ठीक, नाम बता दीजिए। मेरा नाम शैल कुमारी। हरे राम। बताइए कि आज पौष पूर्णिमा का त्यौहार है। जी महाराज। आप संगम नहाने आए? हाँ महाराज जी आए हैं। कैसा लगा, किस तरीके की व्यवस्था? व्यवस्था अच्छी है महाराज जी, जनता कम आई है। हाँ क्यों?
इसलिए क्या जी कोरोना का माहौल चल रहा है, कुछ जनता डरती है, कुछ जो भक्त हैं बेकार जो होएगा सो होएगा, गंगा स्नान करने खुद जाना है गंगा स्नान करेंगे। तो आपने नहाया क्या, मन्नतें मांगी, व्यवस्थाएं क्या थी? व्यवस्था तो महाराज जी हर साल आते हैं, व्यवस्था जी बात है गंगा मैया ऐसी स्नान करावे हमारे हमेशा और बुलावे। बिन मांगे सब कुछ मिले, मांगे मिलाना भी कुछ नहीं मांगते हैं, गंगा मैया से स्नान मांगते हैं, उनकी चरणों की सेवा मांगते हैं। ठीक है, नाम बता दीजिए। रमेश नायक।